एजुकेशन जेट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आपकी बेहद डिमांड तथा प्यार के कारण एजुकेशन जेट गणित की कक्षाएं बहुत ही बेसिक से आप लोगों के लिए लेकर आया हुआ है। हमने ये पढ़ कर रखा है कि हम आपको गणित सिखा कर रहेंगे, तो हम लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं भिन्न प्रैक्शन, जो बेसिक मैथ्स का ही पार्ट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास उसकी नोटिफिकेशन जाए। तो भिन्न क्या है हम लोग देखते हैं। किसी दिए गए पूरे वस्तु का क्या होता है भिन्न? भाग होता है। कोई भी वस्तु अगर दिया होता है तो उसका क्या होता है? ये भाग होता है। भिन्न को हम कैसे लिखते हैं? 2/3 यानी 2/3। इसके ऊपर वाले भाग को बोलते हैं अंश और नीचे वाले भाग को बोलते हैं हर। तो अंश और हर से जो है भिन्न का निर्माण होता है। ये क्या होता है? ये किसी वस्तु का भाग होता है। मान लिया कि कोई वस्तु हम लेते हैं, ये एक पूरी वस्तु है, हमने इसको ले लिया, ठीक है। इसको हमने 4 बराबर बराबर भागों में बांट दिया। 4 बराबर बराबर भागों में अगर हमने बांट दिया, 1, 2, 3, 4, तो 4 बराबर भागों में अगर बांट देते हैं तो एक भाग अगर हम लेते हैं इसमें से, तो ये हो गया, किसमें से हम ले रहे हैं? 4 भाग में से एक भाग, तो 1/4। अगर हम इसी में से 2 भाग लेते हैं तो 2/4, और इसी में से अगर हम 3 भाग लेते हैं तो 3/4, और अगर पूरा ले लेते हैं तो 4/4 मीन्स पूरी वैल्यू आ गई 1, पूरा वस्तु हमको मिल जाता है, ठीक है। इसी तरीके से ये कोई है ऑब्जेक्ट है, इसको हम इक्वल 4 भाग में अगर डिवाइड कर देते हैं तो इसका हर एक भाग क्या होगा? 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, ये सब क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। तो अगर एक भाग हमको लेना होता है, एक भाग अगर हमको लेना होगा तो हो जाएगा 1/4। इसी तरीके से अगर हमें 2 भाग लेना होगा तो क्या हो जाएगा? 1/4 + 1/4, 2 भाग हमने ले लिया तो क्या बन जाएगा? 2/4। इसी तरीके से हमको अगर 3 भाग लेना हो तो 1/4 + 1/4 + 1/4, इस तरीके से 3/4 बन जाएगा। अगर हमको पूरा भाग लेना है तो क्या बन जाएगा? 4/4, 4 बार इसको हम ऐड करेंगे इसी तरीके से, तो ये हमको क्या मिल जाएगा? पूरा ये ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, पूरा ये वस्तु मिल जाएगा। तो ये कंसेप्ट क्या है कि अगर हम 1/4 लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं, तो यानी 4 में से हमने एक भाग ले लिया, हमने 4 भाग किए उसमें से एक भाग ले लिया। इसी तरीके से इसमें क्या किया हमने? एक भाग लिया तो 1/4, और 4 में से अगर 2 भाग हमने लिया तो 2/4, 4 में से अगर हमने 3 भाग लिया तो 3/4, और 4 में से पूरा भाग ले लिया तो 4/4, यानी पूरा वस्तु ही हमने ले लिया, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है भिन्न का, ठीक है। अगर लिखा हुआ है 5/9, तो इसको हम क्या कहेंगे कि 9 भाग में से हमने 5 भाग ले लिया। तो ये इस तरीके से हम भिन्न को रिप्रेजेंट करते हैं। और एक चीज आपको याद रखना है कि भिन्न का मान कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होता है। भिन्न का मान कभी भी क्या होता है? 1 से ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, उससे कम ही होता है। अब हम लोग देखते हैं भिन्न के प्रकार। तो भिन्न के प्रकार में पहला हो गया समान भिन्न, जिसको बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। तो समान भिन्न क्या होते हैं? ऐसे भिन्न जिसके क्या हो, हर समान हो। आपने देखा 4/5, 3/5, तो इसमें क्या है? 5 इसके हर हैं, ये क्या है? समान है। तो इनको हम क्या बोलेंगे? 3/5, और 4/5 को हम क्या बोल देंगे? इसे हम बोलेंगे समान भिन्न। असमान भिन्न क्या होगा? जिसके हर, हर मीन्स डिनोमिनेटर इंग्लिश में बोलते हैं, हर क्या हो? अलग अलग हो। यहाँ पे क्या थे? 5 थे, तो इसको हमने समान बोला, ये अलग अलग हैं तो इसको असमान भिन्न बोलेंगे। उसके बाद हम देखते हैं उचित भिन्न, जिसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। उचित भिन्न क्या होते हैं? ऐसे भिन्न जिसका अंश क्या हो, छोटा हो। किससे? हर से। तो यानी अंश छोटा हो हर से, जैसे 2/3 में 2 छोटा है 3 से, 7/9 में 7 छोटा है 9 से, 8/15 में 8 छोटा है 15 से, तो इसे हम क्या बोलेंगे? उचित भिन्न या प्रॉपर भिन्न। यानी न्यूमिनेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, यानी अंश छोटा हो
हर से। इसी तरह इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अनुचित या विषम भिन्न, जिसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर भिन्न। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अंश छोटा होता है, इसमें अंश बड़ा हो जाएगा। तो इसमें आप देखें कि 9 बड़ा है 7 से, 11 बड़ा है 5 से, ठीक है। तो इसको बोलते हैं विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। उसके बाद हम देखते हैं मिश्र भिन्न, जिसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड भिन्न क्या होता है, मिक्स्ड भिन्न जिसका एक भाग क्या हो, पूर्णांक हो, और दूसरा भाग क्या हो, भिन्न हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मिश्र भिन्न। जैसे 2 सही 3/3, इसको सही बोलते हैं, 2 सही 3/7 में 2 क्या है, पूर्णांक है, और 3/7 भिन्न है। और यह 4 सही 2/3, 4 पूर्णांक है, 2/3 भिन्न है। यानी पूर्णांक और भिन्न से मिलकर मिश्र भिन्न बनते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। अब हम लोग जो है इसके बाद और देख लेते हैं। अब जैसे हमने क्या किया, एक भाग ये है, एक भाग ये है, और ये हमने आधे भाग को लिया। तो मिश्र भिन्न में हम कैसे इसको दिखाएंगे, एक भाग हमने पूरा ले लिया, एक भाग ये भी ले लिया, और ये भाग क्या किया हमने, आधा ले लिया। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 1 2 हो जाएगा, और धन 1/2। तो इसको अगर लिखना होगा तो हम लिखेंगे 2 सही 1/2, 2 सही 1/2, ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से मिश्र भिन्न में, ठीक। अब देखेंगे हम भिन्नों का मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं, कोई भिन्न अगर दिया है तो उसे मिश्र भिन्न में हम कैसे बदलेंगे। तो पहले हम देखेंगे उचित भिन्न। तो उचित भिन्न में हमने बताया था अंश क्या होता है, छोटा होता है हर से। तो जब अंश छोटा होगा तो उसको हम मिश्र भिन्न में बदल नहीं सकेंगे। अब आपने देखा 2/3 की अगर हम बात करें तो अंश छोटा है हर से, तो अंश अगर छोटा होगा तो इसको हम भाग देंगे नहीं जा सकता ना, ये तो ये दशमलव में आ जाएगा, तो इसलिए ये संभव नहीं है कि इसको हम मिश्र भिन्न में बदल सकें। इसके लिए अंश को बड़ा होना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अनुचित या विषम भिन्न की, जिसमें क्या होता है, अंश बड़ा होता है हर से, तो ये संभव है, इसका बन सकता है मिश्र भिन्न। तो जैसे 9/2 की बात करें तो क्या है, 9 जो है बड़ा है 2 से, तो 2 से हम इसको क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। तो 2 से अगर हम विभाजित करें तो 2 का हम पहाड़ा पढ़ते हैं, तो 2 चौका 8, 1 बच गया नीचे शेष घटाने पे। अब 2 को हम क्या बोलते हैं, 2 को हम भाजक बोलते हैं, और 9 जिसमें हम क्या करते हैं, भाग देते हैं, उसको भाज्य बोलते हैं। और जितने बार जाता है वो भागफल होता है, और जो नीचे बचता है वो शेष होता है। तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 4 सही 1/2, तो 4 × 8 = 9/2, यही हमको मिल गया। यानी पहले भागफल लिखते हैं, 4 लिखा हमने, धन शेष हम लिख लेते हैं, 1 बचा, और जिससे हम भाग देते हैं वो लिख दिया। तो इसका एक सूत्र भी होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष, जब भी हम विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे भाज्य क्या है, भाज्य हमारा 9 है, तो 9 = 9 आना चाहिए। तो भाजक हमारा क्या है, भाजक हमारा 2 है, और भागफल क्या है, 4 है, तो 4 × 8, और धन शेष 1, तो 9 = 9, यानी भाज्य बराबर 9 आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग और देख लेते हैं मिश्र भिन्न का अनुचित भिन्न में बदलना। अब कोई मिश्र भिन्न है, जैसे AC/D है, ये मिश्र भिन्न जैसे ऐसे लिखा जाता है ना, 2 सही 3/7, 2/4, तो वही है, A सही 3 C/D अगर लिखा है तो इसको हम कैसे लिखेंगे। तो इसमें क्या होता है, इन दोनों को गुणा कर देते हैं जितने बार ये होता है, तो A × D, और इसमें जो ये दिया होता है इसको C को हम जोड़ देते हैं, और पूरे के नीचे हम D लगा देते हैं, ये होता है इसका फार्मूला। अब इसको हमको करना हो, ये क्या है, मिश्र भिन्न है, इसको हमको अनुचित भिन्न में बदलना होता है। हमेशा याद रखें आप लोग कि मिश्र भिन्न को हमेशा हम अनुचित भिन्न में बदलेंगे, यानी हमेशा उसका हर बड़ा होगा, ये संभव नहीं है। ना तो मिश्र भिन्न को हम उचित भिन्न में बदल सकते हैं, ना उचित भिन्न को हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो 2 का गुणा 7 में हो जजाएगा, और 3 को हम ऊपर जोड़ देंगे, और 7/7, अब ये हो जाएगा 7 × 14, और 14 × 3 17, 17/7, ये क्या बन गया,
ये बन गया अनुचित भिन्न बन गया ना। तो हमेशा याद रखना है कि मिश्र भिन्न अनुचित भिन्न में चेंज होगा और अनुचित भिन्न मिश्र भिन्न में चेंज होगा और उचित भिन्न का इससे कोई संबंध नहीं बन पाएगा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। सरल भिन्न को ही जोड़ घटाना गुणा भाग आदि में प्रयोग किया जाता है। सरल मतलब या तो आपका उचित होगा या अनुचित होगा, इनको हम उचित और अनुचित भिन्न को ही हम सरल भिन्न बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा मिश्र भिन्न होता है वो सरल भिन्न नहीं होता। अब जैसे ये मिश्र भिन्न दिया हुआ है तो इसमें क्या करना, सरल भिन्न को ही जोड़ा जाता है, इसको हमको पहले सरल भिन्न में किस में बदलाएगा, ये अनुचित भिन्न में बदलाएगा, क्योंकि हमने बताया ना कि हमेशा मिश्र भिन्न अनुचित भिन्न या विषम भिन्न में बदलेगा। तो इसको जैसे हमने ये किया इस तरीके से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 3 = 1/3, −4 × 3 = 2/3, ये बन जाएगा। अब ये हो जाएगा 3 × 6 = 7, 7/3, −4 × 3 = 12, 12 × 13 = 14, 14/3, और दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14 × 6 = 20 और 1 = 21/3। ठीक है, और ये हम इसको काट भी सकते हैं 3 × 7 = 21। तो इस तरीके से जो है हम इसको बदल देंगे। पहले क्या हो जाएगा 3 × 6 = 7/3, ठीक, 4 × 3 = 12, 13 × 14 = 14/3, और इस तरीके से ये आ जाएगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहा हूँ कि ऋणात्मक जो अनुचित भिन्न होते हैं उनको हम मिश्र भिन्न में नहीं बदल सकते। इस तरीके से मिश्र भिन्न में हम नहीं लिख सकते। जैसे ये है ऋणात्मक अगर है 21/5, इसको कभी भी हम अगर इसको भाग दें क्या हो जाएगा 5 × 20 = 1/5, तो इसको ऐसे हम नहीं लिख सकते। यानी ऋणात्मक जो हमारा अनुचित भिन्न होगा, ऋणात्मक भिन्न होगा, उसको कभी भी हम मिश्र भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, तो ध्यान से इसको देखते जाएं। आगे फिर हम लोग देखेंगे भिन्न का जोड़, मीन्स एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो भिन्न के जोड़ में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं समान भिन्न की, यानी जिसके हर क्या हों बराबर हों। तो ऐसे भिन्न को हम कैसे जोड़ते हैं, तो जैसे 2/9 है और 4/9 है, इसके क्या हैं हर बराबर हैं, यानी क्या ये समान भिन्न है। इसको जोड़ने के लिए क्या होता है, अंश को हम ऊपर जोड़ देते हैं ऐसे ही, तो 2 × 4 और दोनों के नीचे 9 आ जाएगा, 4 × 2 = 6, 6/9, इस तरीके से ये जुड़ जाता है जब इसका क्या हो हर जो है बराबर हो। तो जैसे इसमें क्या है डी 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 सब में हर क्या है बराबर है, तो इसका अगर हम जनरल क्या करें सूत्र निकालें तो क्या हो जाएगा ऊपर के सभी अंश क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, यानी हो जाएगा a · b · c और पूरे के बटे d। तो ये इसका बन जाएगा फार्मूला सूत्र। अब हम मिश्र भिन्न की बात कर लें जिसमें क्या हो हर जो है समान भिन्न हो, जब हर क्या हो बराबर हो मिश्र भिन्न के केस में। ये किसके लिए हम बात कर रहे थे, ये हम बात कर रहे थे जो मिश्र भिन्न नहीं है सिंपल भिन्न की बात कर रहे थे, सरल भिन्न की बात कर रहे थे। अब क्या होगा इसमें, इसमें दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो एक तो तरीका है कि मिश्र भिन्न में जो पूर्णांक होते हैं इसको पूर्णांक बोलते हैं, और ये क्या होता है भिन्न होता है, पूर्णांक होता है भिन्न होता है। तो इसमें क्या कर लें हम, सबसे पहले सभी पूर्णांकों को क्या कर लें हम, पूर्णांक भाग को पहले हम जोड़ लें और इसमें जो है समान भिन्न के जो भाग हैं उसको अलग अलग जोड़ लें, और फिर बाद में जो इसका परिणाम मिले उनको आपस में जोड़ लें। तो इसको इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो पहले हम क्या कर लें पूर्णांक भाग को जोड़ लें, तो पूर्णांक भाग क्या है 2 और 4 है, तो इसको हम जोड़ लें तो 2 × 4 ये जुड़ गया। ठीक, और बाकी जो है जो भिन्न भाग है यानी 3/7 और 2/7 इसको हम जोड़ लें तो ये हो जाएगा 4 × 2 = 6। ठीक, ये हो गया 6 और इन दोनों को जोड़ दिया हमने जैसे इसमें किया था, ऊपर का जुड़ जाता है तो ये हो जाएगा 3 और 2 = 5, 5/7। इसको अब हम फाइनल इस तरीके से कैसे लिख सकते हैं कि धन में का मतलब सही हो जाता है, ये तो 6 सही 5/7 इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया पहला तरीका। दूसरे तरीके में क्या होता है, इसको सबसे पहले हम क्या कर लें अनुचित भिन्न में बदल लें।
अनुचित भिन्न क्या मतलब, जिसका अंश बड़ा होता है, ठीक है, जिसको जिसमें क्या होता है अंश बड़ा होता है उसमें हम इसको बदल लें, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लें। तो पहले हम क्या करेंगे, जैसे हमने बताया था इसको हम पहले अनुचित भिन्न में बदल लेंगे। अनुचित भिन्न में बदलने के लिए इसको हम कैसे करें लिखेंगे, इसका लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, पहले इसका इसमें गुणा होता है, यानी 2 × 7 = 3 और पूरे के बटे 7, फिर ये क्या हो जाएगा 4 × 7 = 2/7, ये हमने आपको बता रखा है। फिर आगे हम इसको अगर करें तो 7 × 2 = 14 और 14 × 3 कितना हो जाएगा 17, 17/7 हो गया ये, ठीक। और इसको अगर हम जोड़े तो 7 × 28 और 2 कितना हो जाएगा 30/7, और इन दोनों को जोड़ दें 17 और 30 मिल के कितने हो जाएंगे 47, 47/7, और इसको जब हम भाग देंगे तो क्या होगा 7 × 42, जितने बार जाता है इसको लिख लिया यहाँ, उसके बाद जो बचा 5 बच गया, ठीक, 5 इसमें से बचा और ये नीचे आ गया। अब इसको हम करें क्या, तो 7 × 42 और 42/5 कितना हो जाएगा 42/5 = 47 हो जाएगा, तो इसको हम 47/7 लिख सकते हैं। अब हम लोग आगे फिर देखते हैं, अब जब हर बराबर ना हो, जब हर बराबर ना हो यानी असमान भिन्न की बात कर लें। अब यहाँ पे देखिए क्या है, हर इसके बराबर नहीं है, 5 है, फिर 10 है, फिर 20 है, तो हर इसके जब बराबर नहीं होते हैं तो इसके करने का तरीका हम क्या करते हैं, तो इसमें तरीका क्या होता है, सब पहला हम इसमें स्टेप बाय स्टेप हम इसको लिख रखे हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, इसका जो हर होता है इसका लासा निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्ती। तो कैसे निकालते हैं, तो इसको निकालने का तरीका होता है, पहले हम इन सबको इस तरीके से लिख लेते हैं, 5, 10 और 20 इसका लासा निकालना है, ऐसे लिख लेते हैं। फिर हम इसको क्या करते हैं, फिर हम सबसे पहले छोटी छोटी संख्या से काटते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको 2 से काटेंगे, किससे काटते हैं, इसको हम अभाज्य संख्या से, जो संख्याएं 1 और क्या हो खुद से विभाजित हो जाएं उन्हीं संख्याओं से इसको हम काटते हैं, यही हम कोशिश करते हैं। तो पहले 2 से काटे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं 2 होती है। अब 2 से काटेंगे तो 5 तो नहीं कटेगा, तो 5 को ऐसे ही लिख देंगे। 10 को अगर 2 से काटते हैं तो 2 × 5 तो ये 5 बार गया, तो यहाँ 5 लिखते हैं। इसी तरह ये 2 × 2 10 बार जाता है तो यहाँ लिखते हैं। फिर हम क्या कर रहे हैं, फिर 2 से काट लें, ये तो नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, और 2 × 5 = 10 ये कट गया। अब इसके बाद हम इसको 2 से नहीं कटेगा, फिर 5 से कटेगा, 5 × 5 = 5, 5 × 5 = 5। अब इसको हम क्या करते हैं, फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं, तो 2 वही इसका क्या हो जाता है, लासा हो जाता है। तो 2 × 4 = 5 = 20, 20 क्या हो गया इसका, लासा हो गया। और एक तरीका और है, शॉर्ट फॉर्म है, कि हम क्या करते हैं, जो बड़े वाले को अगर हम देखते हैं तो बड़े वाले को अगर ये सब क्या कर दें, विभाजित कर दें, तो यही क्या हो जाता है इसका, लासा हो जाता है। जैसे क्या होता है, 5 का अगर हम पहाड़ा पढ़ें 20 अगर आ जाए तो हम कहेंगे 20 इसका लासा यही हो गया, 10 का हम पढ़ें तो ये भी यही लासा हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से ये लासा हो गया। तो हर का लासा निकालते हैं, ऐसे हम निकाल लेते हैं, ये निकल गया 20 आ गया। अब हम क्या करते हैं, उसके बाद सभी भिन्नों को हम क्या करते हैं, सभी जो भिन्न होते हैं ये सभी भिन्न को हम समान भिन्न में करते हैं। समान भिन्न मतलब क्या, इनके हर को हम बराबर करते हैं, ठीक है, तो हर इनका क्या होना चाहिए, यही जो लासा निकालें वही होना चाहिए। अब हम क्या करें, 2/5 है, इसको अगर हमको 20 लाना होता है तो हम क्या करें, ऊपर नीचे किससे गुणा कर देंगे, 4 से, क्योंकि हमको नीचे क्या लाना है, लासा के बराबर, तो 4 से अगर हम ऊपर नीचे गुणा कर दें तो भिन्न के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 2 हो गया, तो 4 × 2 = 8 और ये हो गया 20, ठीक। इसी तरीके से 7/10 को भी हम 2 से करेंगे ऊपर नीचे, तो ये हो जाएगा 14/20। इसी तरीके से 1/20 है, तो इसमें कुछ नहीं है, तो 1 से हम वैसे ही कर ले रहे हैं, लेकिन करने की ज़रूरत, अब क्या हो गया, इसमें इन सब का जो है बराबर आ गया, क्या बराबर आ गया, हर इन सब का बराबर हो गया, यानी ये किसमें बदल गए, समान भिन्न में बदल गए। अब इनको हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, इनको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 8/20 ठीक, धन 14/20
धन 1/20। अब देखिए ध्यान से, तो 14 × 1 = 15 और 15 × 5 = 20 और 3 बन जाएगा क्या 23। तो ये आ गया 23/20, 23/20 आ गया ये, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये किस में बदल गया, ये अनुचित भिन्न में है। तो इसको हम क्या करेंगे, फिर भिन्नों को जोड़ दिया हमने, जोड़ दिया, और इसको मिश्र भिन्न में फिर से बदल देंगे। तो मिश्र भिन्न में बदलना है इसको, तो हम क्या करेंगे 20 से भाग देंगे, तो 20 × 1 = 20 और 3 बच गया, ठीक है, और यहाँ पे 20 आ गया। तो इस तरीके से जो है हम क्या करते हैं, जब हर बराबर नहीं होता है तो हम इस तरीके से इसको, अब हम लोग देखते हैं मिश्र भिन्न का जोड़। मिश्र भिन्न क्या होता है, जिसमें एक भाग जो है हमारा पूर्णांक होता है, दूसरा भिन्न होता है। तो मिश्र भिन्न का ऐसा जोड़ हम देखेंगे जिसका हर बराबर नहीं हो। यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 20 है। तो जिसका हर बराबर नहीं होता है उसको हम क्या बोलते हैं, असमान, ठीक है। तो इसका तरीका क्या होता है, पहले हम मिश्र भिन्न के जो भी मिश्र भिन्न दिए हुए होते हैं उनको अनुचित या विषम भिन्न में चेंज कर लेते हैं। तो अनुचित या विषम भिन्न क्या होता है, जिसका हर जो है क्या होता है, छोटा होता है अंश से, यानी अंश बड़ा होता है। अंश जब बड़ा होगा तभी क्या होगा, तभी तो हम इसको जो है मिश्र भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। हमेशा आप याद रखें कि उचित का जो है, उचित जो प्रॉपर होता है भिन्न, प्रॉपर जो हमारा फ्रैक्शन होता है उसको कभी भी हम इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं बदल सकते। केवल इम्प्रॉपर जो होता है यानी विषम या अनुचित भिन्न को ही हम मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, ये हमने पहले बता दिया है। तो हम लोग इसको देख लेते हैं, तो इसको कैसे बदलते हैं, हमने आपको बता भी रखा है। 3 का गुणा किस में हो जाएगा, 5 में होगा, और इसमें 2 जुड़ जाता है, ये 5 नीचे आ गया। इसी तरह इसका देख लेते हैं, 2 का गुणा 10 में हो जाएगा, 3 जुड़ जाएगा और नीचे 10 आ जाएगा। इसी तरीके से इसका देख लेते हैं, 4 का गुणा 20 में हो जाएगा और धन 7 हो जाएगा और नीचे 20 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे लिख लेंगे, 5 × 15 और 2 हो जाएगा, 15 × 2 = 17, 17/5 बन गया ये। ये कितना बन जाएगा, 10 × 20 = 3 = 23/10, ठीक है। ये सब किस में बदल रहे हैं, आप देखिए अनुचित भिन्न में बदल रहे हैं, जिसमें क्या हुआ, अंश जो है बड़ा हो रहा है हमेशा। इसके बाद 20 × 80 = 7, 87/20। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे हमने बताया था कि जब भी अनुचित भिन्न को हम जोड़ना होता है तो हम क्या करते हैं, विषम भिन्न को जोड़ना होता है तो क्या करते हैं, इसका लासा निकालते हैं। तो 5, 10 और 20 का हम लासा निकालते हैं तो कितना मिलता है हमको, 20 मिलेगा। कैसे, हमने बताया ना कि 20 अगर हम ऐसे लिख लें, 5, 10 और 20 इसका लासा निकालें तो कैसे क्या मिलेगा, पहले 2 से हम काटते हैं, किससे, जो भी हमारे अभाज्य नंबर होते हैं, तो ये हो जाएगा, इससे तो कटेगा नहीं, और 2 × 5 = 10 हो गया, और 2 × 2 = 20 हो गया। फिर हम 2 से काट सकते हैं, ये 5 ही रहेगा, ये भी 5 रहेगा, 2 × 5 = 10। अब किससे कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं, तो हम 5 से काटें, 5 × 5 = 5, 5 × 5 = 5, 5 × 5 = 5, तो कितना हो गया, 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20। तो इसका लासा क्या हो जाएगा, इसका लासा 20 हो जाएगा। तो जब लासा जो 20 है, अब हमको क्या करना होता है, इसको सबके हर को 20 बनाना होता है। तो 20 बनाने के लिए इसमें कितने से गुणा होगा, ऊपर नीचे 4 से। इसमें अगर 20 बनाना हो तो किससे गुणा होगा, ऊपर नीचे 2 से, क्योंकि 10 × 2 = 20 होता है, 5 × 4 = 20 होता है, इसलिए 4 से इसमें हुआ, ये 10 × 2 = 20 2 यानी 2 से ऊपर होगा। अब हम इसको गुणा करके लिख भी लेते हैं, तो गुणा करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो इसको हम क्या करेंगे, किससे, 7 से 17 है तो 17 में हम किससे गुणा करेंगे, 4 से, तो 4 से जो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 × 4 = 16 कितना हो जाएगा, 17 × 4 = 68 हो गया, ठीक है, 17 × 4 = 68 हो गया। और नीचे भी तो 4 से गुणा होगा, 20 बन गया धन। अब इसके बाद इसमें 2 से गुणा होगा तो 23 × 2 कितना होता है, 46 और ये बन गया 20। फिर इसका कि गुणा होगा किससे, ये तो 1 से ही हो जाएगा, क्योंकि तो ये क्योंकि इसका तो ऑलरेडी पहले से ही है। अब इन सबको हम क्या करते हैं, इन सबको हम जोड़ देते हैं, तो इसमें जोड़ देंगे तो 8, 6, 14 पहले इकाई को जोड़ते हैं ना, 8, 6, 14 और 14, 7 कितना हो जाएगा, 14, 7 = 21 हो जाएगा, 2 हासिल हो जाएगा। फिर उसके बाद 8, 2 = 10, 6, 16, 16, 4, 20 = 2 कितना हो जाएगा,
हमारा जो है इसमें दो हासिल किया, तो अब हो गया 8 और 2 10, और 10 6 16 हो गया, और 16 4 20 हो गया, 201/20 बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो भाग देने के कितना हो गया 10 सही 1/20। इस अब इसको हम गुणा करके देखें तो क्या होगा, 200 धन 1 201/20। तो इस तरीके से जो है हम क्या करते हैं, जब हमारा मिश्र भिन्न दिया होता है तो इसको इस तरीके से जोड़ते हैं जिसका हर क्या हो, बराबर ना हो, यानी असमान हो। अब हम आगे देख लेते हैं किसका, मिश्र भिन्न तथा सामान्य भिन्न का जोड़। तो इस तरीके से अगर दिया है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले मिश्र भिन्न को हम किसमें बदलते हैं, हमेशा हमने बताया मिश्र भिन्न को हमेशा अनुचित या विषम भिन्न में बदल कर फिर जोड़ते हैं। तो इसको पहले हम बदल लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 5 × 1/5, और ये हो जाएगा 3/10। ठीक है, अब देखते हैं, तो 5 × 10 और 1 = 11, तो 11/5 और धन 3/10 हो जाएगा। इतना क्लियर है, ठीक है, इस तरीके से ये हो गया। अब हमने देखा कि 5 और 10 का क्या निकालते हैं, लघुत्तम समापवत लासा निकालेंगे, तो 5 × 10 होता है, तो हमने बताया था ना, अगर बड़ी वाली संख्या दोनों में, बड़ी वाली संख्या को अगर हम छोटी से भाग दें, अगर पूरा चला जा रहा है तो यही क्या हो जाता है, लासा भी हो जाता है। अब इसके क्या करते हैं, फिर हर को बराबर करना होता है, तो समान से गुणा करते हैं ऊपर नीचे, इसमें किसने से गुणा होगा, 10 को बनाने के लिए, तो 2 से गुणा होगा, तो 2 से ऊपर भी होगा और 2 से नीचे भी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 11 × 2 = 22, 5 × 2 = 10, और ये 3/10 तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अब इन दोनों को जोड़ने कितना बन जाएगा, 22 और 3 कितना बन जाएगा, 25/10 हो गया। ठीक है, तो ये बन गया 25/10, तो इसको अगर हम भाग देंगे क्या होगा, 10 × 20 होता है, 5 बच गया, इसको ऐसे लिख लिया हमने, तो ये क्या बन गया, फिर से मिक्स, ठीक है, मिश्र भिन्न फिर से बन गया ये। तो इस तरीके से ये होता है। अब भिन्न का घटाना, जैसे जोड़ होता है वैसे ही घटाना भी हम ऐसे ही करते हैं, सेम यही तरीका है। अब मिश्र का घटाना अगर करना हो तो 9/15 है और 2/15 है और 3/15 है, ये क्या है, समान भिन्न का है, जिसके क्या हो, हर बराबर हो। तो जैसे जोड़ में क्या करते थे, सबको जोड़ देते थे, वैसे इसमें क्या करेंगे, सबको घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाले सबको ऐसे ही लिख देते हैं और नीचे जो इसका वो है ये ऐसे लिखा जाएगा, जैसे जोड़ में हमने किया था। अब जो एक साइन के होते हैं क्या होते हैं, उनको पहले जोड़ लेते हैं, तो 3 और 2 = 5 हो जाएगा, अब 15 हो गया। अब 9 में से 5 जाएगा कितना आएगा, 4, तो 4/15 हमको मिल गया, तो ये हो गया इसका आंसर हो गया। अब किसकी बात कर रहे हैं, इसी तरह हम किसमें, समान भिन्न में मिश्र भिन्न की बात करते हैं, यानी जिसके हर बराबर हो ऐसा मिश्र भिन्न। तो इसको हम पहले क्या करते हैं, जैसे इसमें हमने क्या किया था, पहले इसको इम्प्रॉपर में बदला था, इम्प्रॉपर मतलब जो क्या होते हैं, जिसके अंश बड़े होते हैं, ठीक है, उसमें हम इसको अनुचित भिन्न जिसको बोलते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 × 7 = 3/7 − 1 × 7 = 5/7, ये हो गया। अब ये हो जाएगा 7 × 2 = 14, 14 × 3 = 17, 17/7 माइनस ये कितना हो जाएगा, 7 × 7 = 5, 12/7। अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर का माइनस हो जाता है, 17 − 12/7, तो 17 − 12/7 हो जाएगा, तो 17 में से 12 जाएगा कितना आ जाएगा, 5, 5/7 इसका उत्तर आ जाएगा। अब असमान भिन्न की बात कर लेते हैं, तो असमान भिन्न किस की बात अगर करें तो क्या होता है, सबसे पहले इनका लासा निकालते हैं ये, फिर उसके बाद हम इसी का मिश्र भिन्न की बात कर लेंगे असमान के लिए। तो पहले हम लासा निकालते हैं, तो लासा हम निकाले 3, 9 और 8, 18। अब हम देखें 3 का पहाड़ा पड़े 18 चला जाएगा कि नहीं चलेगा, तो चला जाएगा, 3 के पहाड़े में 18 आता है, 3 × 6 = 18, और 9 के पहाड़ा में भी 18 आता है, तो इसका या इसका मतलब ये है कि इसका लासा जो हो जाएगा, नहीं तो हमने बताया था ना उस तरीके से निकाल सकते हैं, लासा 18 हो गया। अब सबके हर को क्या करना है, 18 बनाना है, तो इसको अगर 18 बनाना हो कितने से गुणा करना पड़ेगा, 3 × 6 = 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर नीचे दोनों करना पड़ेगा ना,
तो 6 × 12 और 6 × 3 = 18, ये बन गया। माइनस इसमें कितना करना पड़ेगा, 9 × 2 तो ऊपर नीचे होगा ना 2 से, 5 × 2 = 10 और 9 × 2 = 18 माइनस 4/18, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को जैसे लिखा है माइनस वैसे लिख देंगे, तो 12 − 10 − 4/18, ठीक है। अब जो क्या होते हैं ऋणात्मक हैं उनको पहले जोड़ लेंगे हम, तो 12 − ऋणात्मक को जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा 14, 10 × 4 = 14/18। अब क्या होता है जब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं तो पहले हम क्या करते हैं घटा देते हैं और जो बड़ा होता है उसका चिन्ह लगा देते हैं। तो ऋणात्मक एक है एक धनात्मक है, तो इसमें से पहले इसको घटा देंगे तो 14 में से 12 गया, कितना आएगा 2 आ गया। अब देखेंगे बड़ा कौन है, −14 बड़ा है तो माइनस वाले का चिन्ह लगा देंगे, तो −2/18। तो इस तरीके से ये हो जाएगा −2/18, ये निकाल लेंगे −2/18 को जब हम क्या करेंगे इसमें काट देंगे तो −1/9 हो जाएगा, 2 से काट दिया हमने। तो इस तरीके से जो है ये हमारा हो गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसी तरीके से असमान भिन्न में किसके लिए, जो हमारा है मिश्र भिन्न का। तो इसमें सबसे पहले इसको हम किस में बताए थे हमने, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें देखिए दोनों है, मिश्र भिन्न भी है और आपका सामान्य भिन्न भी है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, पहले इसको सामान्य भिन्न में यानी हम कह सकते हैं अनुचित भिन्न में बदलेंगे। तो ये हो जाएगा 2 × 5 = 4/5, फिर उसके बाद −3 × 15 = 2/15, ये हो गया, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं ताकि इसको सॉल्व कर लें हम लोग, ठीक है। ये हो गया, अब इसके बाद −7/10, तो ये क्या हो जाएगा 5 × 2 = 10 + 4 = 14 = 14/5 −15 × 3 = 45 और 2 कितना हो जाएगा 45 × 2 = 47/15, फिर −60/10। अब तीनों का क्या होगा, लासा निकालेंगे। अब देखो 5, 15, 10 का लासा अगर निकालें, पहले 2 से काटें, 5 हो गया, 15 नहीं कटेगा ये, तो 2 × 5 = 10 कट गया। अब किससे काटेंगे, 5 से, 5 × 5 = 5, 5 × 3 = 15 और क्या 5 × 5 = 5, पहले वैसे 3 से काट सकते थे, तो कितना हो जाएगा 3 × 5 = 15, 15 × 2 = कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो इसका लासा कितना आ जाएगा 30, यानी सबके हर को हमको 30 बनाना, तो 30 बनाने के लिए 6 से इसमें गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो 6 से इसमें गुणा कर देंगे 30 बनाने के लिए, ठीक है, 6 से हम गुणा कर। अब हम पहाड़ा पढ़ते हैं किसका, इसमें कितने से गुणा होगा, इसमें गुणा हो जाएगा 6 से, क्योंकि 5 × 6 = 30 होता है ना, तो 6 से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे 14 × 25 = 70 × 14 × 6 = 84, ये हो जाएगा, और 6 नीचे, ठीक है, माइनस। अब इसमें किससे होगा, ऊपर नीचे 2 से गुणा होगा, तो 2 × 7 = 14 और 2 × 4 = 8 = 9 = 94 हो गया, और नीचे 30 हो जाएगा, फिर माइनस इसमें कितने से गुणा होगा, इसमें 10 × 3 = 7 × 21/30, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सबका क्या हो गया, हर बराबर हो गया, अब केवल माइनस करके लिखना है 84 − 94 − 21/30। अब जो एक साइन के हैं उसको जोड़ लेते हैं, तो 84 माइनस ये 4 × 1 = 5 और कितना हो जाएगा 9 × 2 = 11/30, ठीक है। अब इसको जब हम माइनस कर देंगे तो 5 में से 4 गया 1 और यहाँ बच गया आपका 11 है, तो 11 × 8 = 2 = 10 तो 3 होता है 11/30, 31/30। इसको हम 31/30 को क्या लिख सकते हैं, 30 × 1 = 1/30। तो इस तरीके से जो है घटाना भी हो गया, ठीक है। अब हम लोग गुणा देख लेते हैं, अब हम लोग भिन्न का गुणा देखते हैं। तो पहला
तरीका जो है टाइप वन देखते हैं। अगर भिन्न में हम पूर्णांक का गुणा करें, जैसे 3/4 क्या है, भिन्न है, इसमें 2 यानी पूर्णांक का अगर गुणा करें, या 2 में 3/4 का पूर्णांक में भिन्न का या भिन्न में उसका गुणा करें, तो इसका जो तरीका क्या होता है, फार्मूला जो होता है, सूत्र होता है, अंश का अंश में गुणा कर दें यानी अंश का पूर्णांक में, और नीचे हर लिख देंगे, तो 2 का 3 में हो जाएगा जैसे इसमें लिखा हुआ है, और 4/4 हो जाएगा, तो 2 3 6/4। इसको अगर हम क्या करें, काटना चाहें तो हम काट सकते हैं, 2 से 2 2 4 2 3 6। और इसको हम फिर क्या कर सकते हैं, मिश्र भिन्न में लिख सकते हैं, 2 1 2 इस तरीके से, ठीक है। तो इसका फार्मूला याद रखना है कि अंश गुणे पूर्णांक बटे हर, अंश यानी 3 गुणे पूर्णांक यानी 2 बटे हर 4, तो ऐसे हमने कर दिया। अब हमको अगर भिन्न का भिन्न में गुणा करना हो तो उसका सूत्र क्या होता है, अंशों का अंशों के साथ गुणा कर दो और हरों का हर के साथ गुणा कर दो, यानी 2 का 4 में गुणा हो जाएगा और 3 का 7 में गुणा कर दे, यही तो है तरीका। तो 4 2 8 हो गया ये, और ये हो गया 7 3 21 हो गया। इसको तो हम क्या है, ये हमारा कैसा है, ये हमारा प्रॉपर है, उचित भिन्न है, इसको हम बदल नहीं सकते मिश्र भिन्न में। मिश्र भिन्न में तभी बदला जाएगा जब अंश क्या हो, बड़ा हो। ये हो गया हमारा। अब हम टाइप तीसरा देख लेते हैं। अगर मिश्र भिन्न का गुणा हम सामान्य भिन्न में कर दें, तो मिश्र भिन्न का गुणा, मिश्र भिन्न ये है, सामान्य भिन्न ये है, इनका अगर आपस में गुणा करें तो इसका तरीका जो होता है, पहला तरीका क्या है, पहले हम मिश्र भिन्न को किसमें, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न में बदलेंगे। तो इसको हम पहले बदल लेते हैं। तो किस कैसे बदलेंगे, 2 × 7 3/7 और गुणे 3/4 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 7 × 2 = 14 और 3 कितना हो जाएगा, 14 × 3 = 17, 17/7 × 3/4। इतना समझ में आ गया। उसके बाद क्या करते हैं, अंशों का गुणा कर देते हैं और हरों का गुणा कर देते हैं, जैसे इसमें किया हमने, तो हो जाएगा 17 × 3 और नीचे कितना हो जाएगा, 7 × 4, 17 3 51 और 7 4 28, 4 7 28 या 7 4 28। इसको फिर हम क्या कर सकते हैं, मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं, क्योंकि ये कैसा है, अंश बड़ा है, हर छोटा है, तो ये क्या है, अनुचित भिन्न है, तो इसको हम जो है बदल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं, नोट हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट क्या है, शून्य से अगर भिन्न में गुणा किया जाए तो क्या हमको शून्य ही मिलता है। अगर हम जैसे 3/4 है, अगर शून्य में इसका गुणा कर दिया जाए तो शून्य ही मिलेगा। चाहे जो है, अगर इस तरह है मिश्र भिन्न है, इसको भी अगर कर दें तो भी हमको शून्य मिलेगा। इसको अगर हम बदल के तब ऐसे करें तो इस तरह की से बन जाएगा, तो भी इसका क्या होगा, मान हमको शून्य ही मिलेगा। अब हम लोग फिर आगे देख लेते हैं, भिन्नों का भाग देख लेते हैं। तो पहले हम देखते हैं सरल भिन्न का भाग कैसे, ठीक है। तो सरल भिन्न का अगर हम भाग पूर्णांक सिद्ध करते हैं, पूर्णांक मतलब 2 3 4 5 से नंबर से करते हैं, संख्याओं से, तो ये सरल भिन्न है। इसका भाग अगर हम कर रहे हैं इस तरीके से, तो इसका जो तरीका होता है, रूल क्या होता है, जो ये भाग का चिन्ह होता है, इसको पहले हम क्या करते हैं, गुणा में बदल देते हैं, ठीक। तो भाग गुणा में बदल जाएगा और 2 को हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, पूर्णांक को हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। तो जो इसमें दिया हुआ है इसको पहले हम ऐसे लिखते हैं, तो पहले 3/7 है, इसको ऐसे लिख लिया, और उसके बाद भाग को गुणा में बदल देते हैं, भाग को गुणा में बदल दिया, और 2 को हम क्या करते हैं, पूर्णांक को उल्टा कर देते हैं, यानी 1/2 कर देते हैं, और ऊपर का ऊपर में गुणा हो जाता है, बताया था अभी आपको, और नीचे का नीचे में गुणा हो जाता है, यानी 3/7 × 14, 3/ क्या हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। अब पूर्णांक का भिन्न से गुणा, जैसे हमने क्या किया, भिन्न का पूर्णांक में भाग दिया, इसी तरह पूर्णांक का भिन्न में हम भाग देते हैं, तो कैसे करेंगे हम, तो इसके लिए भी क्या होता है, सेम रूल है, भाग को गुणा में कर देंगे, बदल देंगे, और इसको क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो हमने क्या किया, भाग को गुणा में बदल दिया और इसको उल्टा कर दिया, तो 3/16 बन गया,
अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसको हम ये भी तो लिख सकते हैं, चार बटे एक। अब इसका गुणा हो जाएगा चार का तीन में, और इसके बाद एक का सोलह में हो जाएगा गुणा। तो क्या आ जाएगा, चार तिया बारह और बटे सोलह, तो बारह बटे सोलह हो गया। इसको हम काटना चाहे तो काट भी सकते हैं, चार तिया बारह, चार चौका सोलह, तीन बटे चार बन गया। अब हम देखते हैं सरल भिन्न का सरल भिन्न से गुणा कैसे भाग देंगे, सरल भिन्न का सरल भिन्न से भाग। तो सेम इसी तरीके से करेंगे कि भागा को गुणा में बदल देंगे और इसको उल्टा कर देंगे, नौ बटे चार, यही तरीका होता है। और ऊपर का ऊपर में गुणा हो जाएगा, अंश का और हर का हर में गुणा हो जाएगा, तो नौ दुना अठारह और ये होगा तीन चौक बारह। दो से हम काट सकते हैं, दो छक बारह, दो नवा अठारह। फिर तीन से काट सकते हैं, तीन दुना छः और तीन तिरिक्का नौ, क्या आ गया, तीन बटे दो आ गया। इसको हम मिश्र फॉर्म में लिख सकते हैं, तो दो इकन्ने दो, ये हो गया मिश्र के फॉर्म में हो गया। यहाँ से भी हम काट सकते थे, तीन तिरिक्का नौ और इसके बाद दो दूना चार, तीन बटे दो यहीं से आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है भिन्न को हम भाग हम कैसे करते हैं, ये हो गया। मिश्र भिन्न का मिश्र भिन्न के साथ हम भाग कैसे करते हैं, ये भी मिश्र भिन्न है, ऐसे भी ये भी मिश्र भिन्न है, इसका भाग हम कैसे करेंगे। तो पहले मिश्र भिन्न को हम क्या बोलते हैं, अनुचित भिन्न में हमेशा बदलते हैं, उसके बाद ही हम कोई भी प्लस जोड़ घटाना गुणा भाग जो भी करना होता करते हैं। तो पहले इसको हम बदल लेते हैं, तो बदलने के क्या हो जाएगा, दो गुणे चार धन तीन और बटे चार, ये हो गया। और ये भागा को ऐसे ही अभी रहने देना, तीन गुणे दो धन एक बटे दो, ये क्या बन जाएगा, ये बन गया चार दूना आठ, चार दूना आठ आठ, नौ दस एक ग्यारह, तो ग्यारह बटे चार ये बन गया भागा, तीन दूना छः एक सात, सात बटे दो ये बन गया। अब हमने क्या किया था, उसमें दोनों जब सरल सरल भिन्न थे तो क्या था, इसको गुणा में बदलते हैं, तो ग्यारह बटे चार गुणा और ये उल्टा हो जाता है, दो बटे सात हो जाएगा, और ग्यारह का दो में गुणा हो जाएगा, ग्यारह दूनी बाईस और ये हो जाएगा सात चौक चार सते अट्ठाईस, सात चौक अट्ठाईस। दो से भी हम काट सकते हैं, दो इकन्ने दो, दो चौक आठ, दो इकन्ने दो, दो इकन्ने दो, ये हो गया ग्यारह बटे चौदह। ये क्या है, इसको हम मिश्र भिन्न में नहीं बदल सकते क्योंकि ये क्या है, उचित है, प्रॉपर है, ठीक है। अब भिन्न का दशमलव में बदलना हम सीखते हैं। अब भिन्न को दशमलव में कैसे बदलेंगे, जब हर क्या हो इसका, दस हो, सौ हो, एक हजार हो, मतलब जीरो के फॉर्म में हो जब उसका हर, तब हम उसको कैसे हम बदलेंगे, ठीक है। तो जब ये दस हो, सौ हो, हजार हो, दस हजार हो, कुछ भी हो इस तरीके से, तो उसको कैसे बदलते हैं, ठीक है। तो इसमें तरीका क्या होता है, जो हर दिया है, ठीक है, ये हर है, क्या है, ये है, इसका अंश ये, इसको हम इसी का, अब पहले हम अनुचित का देखते हैं, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होता है, जिसमें अंश जो है बड़ा होगा हर से। तो आप यहाँ देखिए, अंश जो है हर से बड़ा है, अंश जो है हर से बड़ा है, अंश जो है हर से बड़ा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, शून्य को गिनते हैं, यहाँ पे शून्य एक है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है, और इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, किसको, अंश को, चार पाँच दो आठ, और इसको भी हम ऐसे ही लिख लिए, एक आठ पाँच दो तीन, दो चार सात नौ तीन। पहले हम क्या करते हैं, अंश को ऐसे ही जैसे दिया है लिख लेते हैं, फिर हम शून्य गिनते हैं, यहाँ पे एक शून्य है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है। जितने शून्य होते हैं बाएं, यहाँ से क्या करते हैं, इसके इकाई के साइड से उतने अंक के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे दशमलव लगा देते हैं, ठीक है। यानी इसके इधर से हम जो है एक दशमलव इधर लगाएंगे, क्योंकि एक शून्य है, यहाँ पे कितने शून्य है, दो शून्य है, तो दो के बाद दशमलव लगेगा, यहाँ तीन शून्य है तो तीन के बाद दशमलव लगेगा, यानी ये क्या है, दहाई है, तो दहाई के बाद लगेगा, यहाँ यहाँ इकाई के जस्ट बाद, यहाँ पे क्या है, दो है तो दो पे लगेगा, यहाँ पे दो है तो दो पे लग गया, यहाँ पे तीन है तो कहाँ लग जाएगा, तीन पे लग जाएगा। तो
इस तरीके से हम जो है दशमलव में बदल सकते हैं, जब क्या हो उसका हर 10, 100 इस तरीके से मतलब 0, 0 के फॉर्म में हो तो हम इस तरीके से इसको बदल सकते हैं। क्या करते हैं, जितना शून्य होता है उतने अंक के बाद हम लगा देते हैं। यहाँ 1 शून्य था तो 1 अंक के बाद, यहाँ 2 शून्य था तो 2 अंक के बाद, यहाँ 3 शून्य था तो 3 अंक के बाद हमने लगा दिया। ये हमने किसके लिए किया है, इम्प्रॉपर अनुचित भिन्न के लिए। अब इसी को हम उचित भिन्न के लिए देखते हैं। तो उचित भिन्न में क्या होता है, उचित भिन्न किसको बोलते हैं, जिसका अंश छोटा हो। देखिए 9 क्या है, छोटा है 10 से। यहाँ पे देखिए 79 छोटा है 100 से। इसी तरीके से 982 छोटा है 1000 से। तो इसका तरीका क्या होता है कि हम दाएं से दशमलव उतने अंक के बाद लगाते हैं जितने शून्य होते हैं, ठीक है। तो दाएं से हम उतने अंक के बाद इसमें दशमलव लगा देते हैं। अब पहले हम शून्य अपने मन से इसमें सब में लगा देते हैं। अब हम देखेंगे दाएं से इसके बाद 9 लिख लेंगे, यही नंबर लिख लेंगे। इसके बाद ये नंबर को हम ऐसे ही लिख लेते हैं, 0 हम अपने मन से पहले लगा लेते हैं। अब क्या करते हैं, 1 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद लगा दिया, यहाँ 2 अंक के बाद है तो 2 अंक के बाद लगा दिया, यहाँ 3 अंक के बाद है तो 3 अंक के बाद लगा दिया। कभी भी ऐसे जो है स्टैंडर्ड तरीका नहीं कि ऐसे ही आप लिख लो कोई भी चीज़, इसके आगे हम 0 अपने मन से लगाते हैं। और एक चीज़ ध्यान दें कि इसके बाद के जो अंक होते हैं, अब इसको आप 0.924 नहीं पढ़ेंगे, ये गलत होता है। 0.924 एक अंक इसमें हमको पढ़ना होता है। तो ये भी आप लोग बहुत ध्यान से जानें कि दशमलव के बाद के जितने भी अंक होते हैं उसको एक एक करके हम पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं जब हर क्या हो, शून्य के रूप में ना हो, यहाँ 5 है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका 2 तरीका है। अगर जैसे ये क्या हो, 5 जो है, जैसे इससे 10 अगर बन सकता है तो हम क्या करें, ऊपर नीचे उसी नंबर से गुणा कर देंगे, तो हमारा फिर ये इसी फॉर्म में बन जाएगा। अब देखिए 5 क्या है, 5 से हम 10 बना सकते हैं ना, 5 के अगर का पहाड़ा पढ़े तो 10 आता है ना। तो यानी अगर इसमें हम कितने से 5 दूना होता है 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, और ये बन गया 10। अब ये क्या बन गया, इसी तरह का बन गया ना। अब आप देखो इसी तरह का बन गया। तो कितने अंक के बाद, इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, और कितने अंक के बाद लगाएंगे, 1 अंक के बाद लगा दिया। अब इसी को हम भाग दे के दूसरा मेथड देखते हैं। तो दूसरा मेथड अगर हम भाग देते हैं इसको 5 और 52 को, तो कितना हो जाएगा, तो अगर इसको हम भाग देंगे तो कैसे हो जाएगा, भाग देने के बाद ये हो जाएगा 50 हो गया, और ये हमारा हो जाएगा 2, दशमलव लगा दिया और यहाँ पे 0 आ गया, और इसके बाद 5 और 20, ये हो गया हमारा, कट गया इस तरीके से, ये आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, इसको हम बोलते हैं भाज्य, ठीक है, और इसको बोलते हैं भाजक, ठीक है, और ये होता है भागफल, और इसको बोलते हैं, यहाँ पे जो बचता है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, इसको बोलते हैं वैसे शेष। तो शेष यहाँ पे 0 आया है। तो इसका जो एक के बीच, इनके बीच में जो संबंध होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। अब यहाँ पे हम इसको देखें तो 52 हो गया बराबर, भाजक क्या है हमारा 5, भागफल कितना आया है 10.4 अगर कह लें, शेष कितना है 0 है। तो इसको अगर गुणा करें 5 चौक 20 और 5 इकन्ने 5, 1 शून्य आ गया ना, बायां और दायां 2 है, एक इक्वल आ गया। तो इस तरीके से हमारा जो है भिन्न जो है बहुत ही अच्छे तरीके से खत्म हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम लोग जो है इसके बाद पूरे क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं उसको हम लोग